नमस्कार, मैं राजन सिंह क्यूरा, फैकल्टी स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। आज मैं मीडिया साक्षरता के लेकर कुछ बताना चाहता हूँ कि मीडिया साक्षरता क्या है। हमें सूचनाओं के नए युग में नए ज्ञान कौशल को स्थापित करना ही पड़ेगा, अन्यथा भ्रम, अविश्वास, शंका, अतिवाद के बीच पाठक कंज्यूमर जो है भटक कर रह जाएंगे। मीडिया साक्षरता कौशल विकास की तकनीक है जिसके माध्यम से सूचना के सही स्वरूप, व्याकरण की दृष्टि नहीं बल्कि जो प्रेषित किया गया है उसका स्वरूप स्पष्ट रूप से समझ पाना है। वेस्ट में, पश्चिम जगत में, यानी कि मीडिया साक्षरता बहुत पहले शुरू हो गई थी, जबकि एशियन जगत में पिछले दो दशकों से ही इस ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र विषय एक सजग जागृत उपभोक्ता की कल्पना करता है, उसी प्रकार मीडिया साक्षरता विषय एक सजग जागरूक उपभोक्ता की कल्पना करता है, जिससे समाज में वह अपना व अपने संपर्क के साथ सही सूचना का संप्रेषित कर सके। भारत जैसे विविधताओं से परिपूर्ण लोकतांत्रिक विकासशील राष्ट्र के लिए नवाचार अत्यंत आवश्यक है। साथ ही ऐसे राष्ट्र में मीडिया साक्षरता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, जहाँ सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग व अन्य सूचना माध्यमों के प्रकारों जैसे डिजिटल फ्लैक्सी या लेड डिस्प्ले, प्लेबोर्ड, पोस्टर, होल्डिंग, पंपलेट, दीवारों पर लिखना, छापना, झंडे, बैनर, पताकाएं, टी शर्ट, कपड़ों पर लिखना इत्यादि का प्रयोग दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। जो उद्देश्य परक होते हैं वह एक संदेश छोड़ते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेस, पुस्तक, मैगजीन, हैंडबुक, अखबार, सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, समाचार, फिल्म, खेल, विज्ञापन इत्यादि सूचनाओं की आसान प्राप्ति उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता। उद्देश्य तब पूर्ण होता है जब सूचना का सही प्रयोग यानी कि उपयोग हो। चिंता तब बढ़ जाती है जब डिजिटल मंच का प्रयोग प्रत्येक आयु वर्ग की पहुंच में आसान हो जाए। भारत में भी डिजिटल मंच का प्रयोग तेजी से बढ़ रहा है, जहां सभी आयु वर्ग के लोग अपना अधिकांश समय इसमें व्यतीत करते हैं, जैसे बच्चों द्वारा ऑनलाइन क्लास करना, गेम्स, यूट्यूब व सोशल मीडिया का प्रयोग आजकल दिनों दिन तेजी से बढ़ रहा है। भारत में इस क्षेत्र में बहुत अधिक शोध कार्य तो नहीं हुए हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया गया है और निरंतर यह कार्य जारी है। जैसे जैसे 18 वर्ष की आयु का औसतन अमेरिकन बच्चा 2 लाख हिंसात्मक कार्यक्रम देख चुका होता है और इसी आयु वर्ग का अमेरिकन बच्चा कम से कम 16,000 हत्याओं को टेलीविज़न पर देख चुका होता है। हिंसा के अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनका कुप्रभाव बहुत घातक हो सकता है, जैसे पोर्नोग्राफी, रेप, चोरी, धार्मिक सामाजिक घृणा, आत्महत्या, अवसाद आदि आदि। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति यह कहे कि वह पूर्ण मीडिया साक्षर है, वो बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि हिंदुस्तान अखबार में 2 जून 2021 को नई दिल्ली से एक खबर छपी थी, जिसमें दावा किया गया था कि 90% स्मार्ट
लोग फेक न्यूज़ को नहीं पहचान पाते। जो लोग खुद को स्मार्ट समझते हैं, ऐसे लोगों में से 90% फर्जी खबरों के झांसे में पड़ जाते हैं। यह दावा अमेरिका के प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित अध्ययन में किया गया, जिसके तहत 8200 अमेरिकी प्रतिभागियों पर शोधकर्ताओं द्वारा अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला गया कि इन प्रतियोगियों भागियों की फेसबुक फीड में वास्तविक और फर्जी खबरें प्रसारित की गई। वहाँ के यूटा विश्वविद्यालय जनसंचार विभाग के प्रोफेसर ब्रेन लाइन्स ने बताया कि शोध के दौरान हमने प्रतिभागियों से इस बात की रेटिंग करने को कहा कि खबरों की वास्तविकता जानने में अपने आप को कितना समर्थ पा रहे हैं। शोध में पाया गया कि लोग खुद को फर्जी सूचनाओं के प्रति सहज मानते हैं, वे ही ऐसी खबरों के सच को जान ही नहीं पाते। यह भी देखने को मिला कि फेक न्यूज़ को पहचान पाने के अति आत्मविश्वास से भरे हुए लोग ही अविश्वसनीय स्रोतों वाली वेबसाइटों पर सबसे ज़्यादा सर्च करते हैं। साथ ही यह भी पाया गया कि ऐसे लोगों को फर्जी सूचनाएं इतनी ज़्यादा अपील करती है कि वह उन्हें सबसे ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं। यह भी पाया गया कि फर्जी सूचनाओं के चंगुल में धुर दक्षिणपंथी विचारधारा के रिपब्लिक लोग ज़्यादा फंसे हैं, जबकि डेमोक्रेट दल को समर्थन देने वाले लोग फर्जी सूचनाओं को बेहतर ढंग से पहचानने में सफल रहे हैं। शोधकर्ता मानते हैं कि इसके पीछे एक अहम कारण यह हो सकता है कि अतिवादी विचारधारा के लोगों के विचार करने की क्षमता तथ्य और तर्क आधारित नहीं होती। वे मान्यताओं पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। कुछ शीर्षकों द्वारा हम मीडिया साक्षरता की आवश्यकता को विस्तृत ढंग से जान सकेंगे। जैसे निष्पक्ष समझ विकसित करने हेतु मीडिया साक्षरता। आज हम अपने जीवन काल का एक बड़ा हिस्सा संचार माध्यमों में व्यतीत कर रहे हैं, चाहे ऑनलाइन क्लास हो, ऑफिस का कार्य हो, समाचार हो, मनोरंजन हो। हर आयु वर्ग के लोग अपना अधिकतर समय इसमें व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में यह समझ लेना नितांत आवश्यक हो जाता है कि जिस वस्तु को आप एक उपभोक्ता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो विशेष वर्ग के पक्ष में बात रख रहा है, जबकि अन्य वर्ग को कम आंकने का प्रयास हो रहा है, या भ्रम पैदा करने का प्रयास तो नहीं। इत्यादि बातों को समझने के लिए मीडिया साक्षरता को समझना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं कि जो समाचार, सूचनाएं, लेख इत्यादि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मंच पर प्रस्तुत किए गए हैं, ये सभी सत्य होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राइटर्स, पीटीआई, IANS, ANI, हिंदी न्यूज़ जैसी बड़ी न्यूज़ एजेंसियां हैं जो विभिन्न संचार माध्यमों को सूचनाएं बेचती हैं। एक स्वतंत्र पत्रकार, लेखक जोनेथन फॉम्बी, ब्रिटिश लेखक ने विकिपीडिया पर जर्नलिस्ट ऑब्जेक्टिविटी में कहा है कि ज़्यादातर समाचार पत्र, टीवी स्टेशन, न्यूज़ एजेंसियों पर निर्भर रहते हैं। ये सूचनाओं के मंच स्वयं को विवादों से बचाए रखने के लिए एजेंसी समाचारों का सहारा लेते हैं, किंतु
भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज समाचार चैनल अधिकांश समय वाद विवाद में निकालने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई डिबेट चली रहती है, आप देखते होंगे। इनके चलते असल समाचारों का संकट दिखाई देता है। समाचार संचार माध्यमों के द्वारा वाद विवाद एवं परिचर्चाओं के द्वारा दर्शकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे एक विशिष्ट परिणाम निकाल कर एक सोच बना सके। सूचनाओं की बढ़ती बाढ़ में यह नितांत आवश्यक है कि प्रत्येक दर्शक यह सोच सके कि सूचना का वास्तविक स्वरूप क्या है। जैसे यदि हम सोशल मीडिया मंच को देखें तो इसमें भी उपभोक्ता की जिम्मेदारी मीडिया साक्षर होने के नाते ये बनती है कि वह फेक न्यूज़ को छोड़कर आगे बढ़ने के बजाय उसे जांचें, फैक्ट चेक ऑर्गन .org, हॉक्सी, पॉलिटिफैक्ट, तमाम ऐसी वेबसाइटें हैं इत्यादि। दूसरी नैतिक जिम्मेदारी यह बनती है कि हमें इसके फैलाव को रोकना चाहिए, जिससे विभिन्न सूचनाओं के प्रति स्वयं की निष्पक्ष समझ विकसित कर सके। अतिवाद चरमवाद से बचाव हेतु मीडिया साक्षरता में भारत एक विविधता वाला राष्ट्र है। अनेक बोली भाषा, रीति रिवाज, खान पान, धर्म, जाति इत्यादि में अनेक अंतर्दृष्टि गोचर है। समाचार संचार माध्यम एक ऐसा साधन है जो सबको एक दूसरे की सूचनाएं बृहद स्तर पर प्रदान करता है। कई बार गलत बयानी, भ्रामक, जानबूझकर ऐसे तथ्यों को प्रसिद्ध किया जाता है जिससे वर्ग विशेष में असुरक्षा, अन्याय का भाव, घृणा और द्वेष जैसे भाव पनपने लगते हैं, जिससे बड़ी गंभीर सामाजिक अव्यवस्था पैदा हो जाती है, जबकि वास्तव में मामला बहुत ही सामान्य होता है। इसका प्रभाव अतिवाद के रूप में दिखाई देता है, जैसे मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग एक आम समस्या हो गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सी ऐसी घटनाएं सुनने और देखने को मिलती हैं जो परस्पर घृणा को बढ़ाने का काम करते हैं। नस्ल भेद पश्चिमी जगत में अतिवाद और चरमवाद का उदाहरण है, जिसमें लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और आक्रामक रूप धारण कर लेते हैं। मीडिया साक्षरता व्यक्ति को यह समझाने में सक्षम बनाती है कि सूचना प्राप्ति का उद्देश्य की पूर्ति के लिए कि प्राप्त सूचना किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो क्यों बनाई गई है, इसमें सत्यता का प्रतिशत लगभग कितना है, वह तार्किक विवेचना के आधार पर स्वयं को अनियंत्रित होने से बचाती है। वह एक स्वस्थ मानसिकता विचारधारा को समझने में सहायता प्रदान करती है। जैसे अतिवाद का उदाहरण एक वीडियो गेम भी है, जिसे ब्लू व्हेल के नाम से जाना जाता है, जिसे भारत सरकार के सूचना प्रसार तकनीकी मंत्रालय द्वारा गूगल, फेसबुक, याहू को पत्र लिखकर इसे बंद करने का आग्रह किया गया था, क्योंकि इसकी वजह से सन 2017 में भारतीय बच्चों में आत्महत्या, स्वयं को हानि पहुंचाने की अनेक घटनाएं सामने आने लगी थी। इससे आए दिन जो युवा थे, बच्चे थे, अपनी को नुकसान पहुंचा रहे थे, जिसे किलर गेम भी कहा गया था। जबकि इससे पहले ही सन 2016 में रूस में प्रतिबंधित कर दिया गया था इसे। इससे भारत समेत विभिन्न देशों से लगभग 100 मौतें होने की रिपोर्ट आई थी। सार्वजनिक मंच में कई बार
एक पाठकों व उपभोक्ताओं को किसी एक सुनिश्चित दिशा की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसे मीडिया साक्षरता द्वारा रोका जा सकता है। धन्यवाद।